हेलो एवरीवन माय नेम इज़ ऐश्वर्या मिश्रा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज का टॉपिक है हमारा एमआरआई एमआरआई टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीआरटी आर सेकेंड ईयर और बीआरटी आर टी सेकेंड ईर डिप्लोमा और डिग्री दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स कैरी करता है ये बहुत कॉम्प्लीकेटिव होता है अंडरस्टैंड करने के लिए इसलिए मैंने कोशिश की है आपको ईजी लेवल पर समझाने की एम आर आई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एम आर आई वर्ड स्टैंडस फॉर मैग्नेटिक रेजोनेस इमेजिंग मैग्नेटिक इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड हमने यूज़ किया है रेजोनेंस रेजोनेंस से मैग्नेटिक फील्ड के बाद में रेजोनेंस किया है यानी कि टू डिफरेंट एनर्जी वॉट इज रेजोनेंस वेन एवर टू डिफरेंट एनर्जी लेवल एग्जिस्ट विद इन अ फिजिकल सिस्टम यानी जब एक फ़िजिकल सिस्टम में दो डिफरेंट एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं तो देर विल भी ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी यानी उस वक्त एनर्जी ट्रांजिशन होता है यानी एक एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी का ट्रांजिशन यानी एनर्जी संक्रमित होती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इट्स कॉल्ड रेजोनेंस उसे ही रेजोनेंस कहते हैं यानी किसी भी एक फिजिकल सिस्टम में अगर दो एनर्जी लेवल हैं एक लो है एक, एक हाई है, है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एनर्जी का ट्रांजिशन नहीं होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यहाँ पे ट्रांजिशन होगा तो इस इस प्रोसेस को जो बोलते हैं बोलते हैं रेजोनेंस एंड लास्ट इज इमेजिंग इमेजिंग यानी ऑल थ्री प्लेन्स में इसमें इमेजिंग होती है सजाइटल कोरोनल एंड एक्सियल इट मीन्स एम में क्या किया है मैग्नेटिक फील्ड एंड रेजोनेंस का यूज करके हमने इमेज ली है तीनों प्लेन्स के अंदर तो दैट्स वॉट दिस दिस वॉट स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एम आर आई इज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक यूज इन रेडियोलॉजी टू फॉर्म इमेजेस ऑफ़ एनाटमी एंड द फिजोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी कि एम आर आई एक टाइप की मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हमने बॉडी की एनाटमी uh, और फिजोलॉजिकल प्रोसेस की इमेज लेनी है एनाटमी की भी और साथ में फिजोलॉजिकल प्रोसेस की भी इमेज ले सकते हैं एम आर आई इज बेस्ड ऑन द एन एम आर फिनोमिनन यानि एन एम आर फिनोमिनन पर बेस्ड है वॉट इज एन एम आर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एन एम आर क्या है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है सर्टेन एटॉमिक न्यूक्लिया डेमोस्ट्रेड द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड री इमिट रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी वेन इट इज प्लेसड इन मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कुछ न्यूक्लियाज में कुछ एटॉमिक न्यूक्लिया में ऐसी एबिलिटी होती है कि जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो वहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और री इमिट यानी उनका वापस से इमिशन भी कर देते हैं तो ये जो एबिलिटी होती है इस फिनोमिनन को हमने कहा है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी जब किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियर को यानी मान लीजिए कोई भी हाइड्रोजन एटम है जब हमें इस हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इसके अंदर इस एबिलिटी होगी कि, कि कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब भी करेगा और एक डिफरेंट काइंड की रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को रीइमिट भी करेगा तो इस एबिलिटी को हमने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस फिनोमिनन के अंदर माना है तो एम इसी फिनोमिनन पर बेस्ड है रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स हमने जो यूज करते हैं वो होती है 1, 2, की मेनली ठीक है अब देखें हिस्ट्री पे कि कैसे एम कैसे डिस्कवर हुई है एनएमआर क्या था एम कैसे बनी एनएमआर सबसे पहले तो ओनली की फिनोमिन को डिस्क्राइब किया गया था एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये डिस्क्राइब हुआ था 1946 में बाय फेलिक्स बॉल्स एंड एडवर्ड पर्सेल फेलिक्स बॉल्स और एडवर्ड पर्सेल के द्वारा 1946 में एनएमआर का फिनोमिनन डिस्क्राइब किया गया इन नाइनटीन यानी अर्ली नाइनटीन में रेमन डेमोडियन रेमन डेमोडियन नाम के एक साइंटिस्ट ने इन्वेंटेड एन एपरेटस एंड मेथड टू यूज एनएमआर सेफली एंड एक्यूरेटली टू स्कैन द ह्यूमन बॉडी कि यानी देखा जाए तो 1946 तक उन्होंने सिर्फ एनएमआर का फिनोमिनन डिस्क्राइब किया था इस एनएमआर के फिनोमिनन को एक एपरेटस में लेना किसी दूसरे उपकरण में और दूसरे मैथड से तो उसको इस तरीके से यूज करना कि वो ह्यूमन बॉडी को स्कैन कर सके सेफली और एक्यूरेटली तो ये हमने ये दिखा था रेमर्ड डेमोडियन ने इसे इसलिए इसको नाम दिया गया था इनडोमिटेबल इन्होंने क्या किया था एक डोम के स्ट्रक्चर का जो डोम होता है इस टाइप की स्ट्रक्चर की एक एपरेटस यानी एक उपकरण उन्होंने तैयार किया था जिसके अंदर एनएमआर फिनोमिनन को यूज़ करते हुए उन्होंने ह्यूमन बॉडी को स्कैन किया था ठीक है तो इसे नाम दिया था इनडोमिटेबल और इसी कारण इन्हें फादर ऑफ एम कहा जाता है रेमन डेमेडियन को क्यों बिकॉज इन्होंने फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया था कि हम एन को यूज़ करते हुए किसी ह्यूमन बॉडी का स्कैन कर सकते हैं इसके बाद में 1977 में पॉल सी लॉटरबर एंड सर पीटर मैंसफील्ड सी लॉटरबर एंड सर पीटर मैंसफील्ड आए और came विद एन आइडिया ऑफ यूजिंग ग्रेडियंट कॉल्स एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल एंड डेवलपमेंट ऑफ इको imaging इमेजिंग यानी अब ये ये जो दोनों थे lotterbar aur और सर पेटर सर पीटर मैंसफील्ड ये gradient coil, radio frequency coil और eco planar imaging का idea लेकर के आये जिससे कि जो स्कैन रेमोट डेमोडियन ने इनडोमिटेबल के अकॉर्डिंग किया था उसको बहुत ही कम टाइम में स्कैन किया जा सकता है इन्होंने जो फर्स्ट टाइम स्कैन किया था उसके लिए एक ब्रेन के स्कैन के लिए इन्होंने चार घंटे लिए थे फोर आवर्स और इन्होंने जो स्कैन किया था वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में कर दिया था तो दिस वॉज द डिफरेंस ये ये इस टाइप से इन्होंने क्लिनिकल स्कैन को यूज करने के लिए बताया कि अगर हम इस टाइप से डेमोडियन के नाम से इनडोमिटेबल इंडु, इंडु, के अकॉर्डिंग अगर हम स्कैन करते हैं तो एक स्कैन में चार घंटे लगेंगे जिससे कि ये क्लिनिकली यूज बाद में नहीं किया गया था इसको लेकिन जो पॉलची पर पीटर मैंफील्ड के आइडिया के द्वारा इसको क्लिनिकली यूज लिया गया फर्स्ट टाइम फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में पॉलसी लॉटरबर्न से मेट पीटर मैंफिल्ड शेयर द नोबल प्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम आर आई इन टू थाउजेंड थ्री तो उसके बाद मैंने टू थाउजेंड थ्री में इस डेवलपमेंट के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया सो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ एम आर आई प्रिंसिपल ऑफ एम आर आई वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ एर आई अब एम आर आई का प्रिंसिपल क्या है ये हमने देखा था बेस्ड ऑन एन एम आर ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजिडेंस पे डिपेंड करता है एम आर आई टेक्नोलॉजी फॉर्म्स इमेज विद रेफरेंस टू द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी अब हमने देखा कि जो एम आर आई टेक्नोलॉजी है वो इमेज बना रही है ह्यूमन बॉडी की किसका रेफरेंस लेते हुए हाइड्रोजन एटम्स का तो वाई वी टेक हाइड्रोजन आइटम एज रेफरेंस ओनली हम हाइड्रोजन आइटम को ही क्यों लेते हैं एज अ रेफरेंस क्योंकि हमारी बॉडी में तो बहुत सारे आइटम्स प्रेजेंट होते हैं सो ओनली वाई ओनली हाइड्रोजन आइटम फर्स्टली एज NMR phenomenon, we need वी नीड एन possessing an odd एन ऑड नंबर ऑफ neutrons. और न्यूट्रॉन्स कि इस हमने पहले सबसे पहले तो इसका जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी ये है कि जो भी atomic न्यूक्लियर यानी जो resonance करेगा NMR के अकॉर्डिंग उसमें ऑड नंबर ऑफ protons और न्यूट्रॉन्स proton और न्यूट्रॉन का ऑड नंबर यानी विषम संख्या उसकी होनी चाहिए सो एंड हाइड्रोजन एटम हैज सिंगल प्रोटोन और हाइड्रोजन एटम में हमें पता है कि ओनली सिंगल प्रोटोन प्रेजेंट होता है विच स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन करेगा resulting production of magnetic field, और रिजल्टिंग प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा हमें पता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो अगर मोशन करेगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा तो जो इसमें एक सिंगल प्रोटोन प्रेजेंट होता है वो स्पिन करेगा अपने ही न्यूक्लियस के अराउंड अपने ही न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट ये थी और ये बहुत इजीली हमें हाइड्रोजन एटम से प्रोवाइडेड हो जाती है एंड सेकंड सेकंड द रीजन इज द मोस्ट एमेंडेड न्यूक्लिया इन ह्यूमन बॉडी इज हाइड्रोजन कि अब जो हमारी बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा जो अगर एटोमिक न्यूक्लिया देखा जाए तो वो ओनली हाइड्रोजन पाया जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट कितना टेन की पावर टेन हाइड्रोजन एटम्स इन ईच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ टिश्यू क्योंकि अगर हम देखें तो वाटर हमारी जो बॉडी है वो मेनली वाटर की बनी हुई होती है और एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन प्रोटोन प्रेजेंट होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारी में अगर आ, इस हाइड्रोजन की जो एबंडेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो ये दो रीज़न थे किस जिसके लिए हमने हाइड्रोजन आइटम को रेफरेंस लिया क्योंकि एक एक सिंगल प्रोटोन होता है जो कि इजीली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा दूसरा आ, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर अब हमने देख लिया कि जो एमआरआई का प्रिंसिपल है वो एन एम आर के बेस्ड है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे बेस्ड है और इसके अलावा हमने हाइड्रोजन आइटम को रेफरेंस ले लिया बट अब ये जो एम आर आई है वो फाइनल इमेज तक कैसे पहुंच रही है तो हम देखेंगे एम आर आई गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक इन फाइनल इमेज फाइनल इमेज तक कैसे पहुंचे कि चार स्टेप्स इसने लिए हैं फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड रेजोनेंस थर्ड रिलैक्सेशन एंड फोर्थ इमेज रिकन्स्ट्रक्शन डिस्प्ले ये हमने एक निमोनिक डिसाइड किया है इन चारों स्टेप्स को याद करने के लिए एम आर आर आई मदर रिलैक्सड राम इंस्टेंटली तो आप इसको इस टाइप से निमोनिक नीमो, के अकॉर्डिंग भी इसको लर्न कर सकते हैं इन चारों स्टेप्स को मैं सबसे पहले वो पांचों पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं जो है कुछ प्रोटॉन्स की इसकी प्रोटॉन की क्वालिटीज़ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जो एक प्रोटॉन होता है यानी ये जो एक न्यूक्लियाई होता है इसमें जो प्रोटॉन है ये एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं ठीक है क्लॉकवाइज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज करेगा अपने न्यूक्लियस के अराउंड अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो हम इसको बोलेंगे स्पिन अप न्यूक्लियाई और अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो इसको बोल देंगे स्पिन डाउन ठीक है अब ये जो स्पिन डाउन है ये हमेशा हाई एनर्जी स्टेट पे मिलेगा कंपेयर टू इसके तो ये लो एनर्जी स्टेट पे मिलेगा ये हम लोग क्वांटम फिजिक्स के अंदर देखते हैं मेनली अब इसके अलावा जब हम जब ये न्यूक्लियस बिना एक्सटर्नल फील्ड के अगर किसी बॉडी में प्रेजेंट है तो ये जो होते हैं रैंडमली प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटॉन्स कुछ इस टाइप से बट जब इनमें हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद में किसी न किसी डायरेक्शन में हो जाते हैं या हो सकता है ये पैरल हो जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो पैरल हो या फिर ये एंटी पैरल हो बट ये एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे इसके अलावा ये एक और मोमेंट करेंगे फर्स्ट मूवमेंट हमने इसका स्पिन देखा दूसरा पैरल और एंटी पैरल अरेंज हो चुके हैं और तीसरा इसका जो फीचर होता है उसमें ये होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई किया और उसके बाद में इसमें जो होता है एक खुद का एंगुलर मूवमेंट यानी जो स्पिन कर रहा है खुद स्पिन के बाद में जो एंगुलर मोमेंट आता है कौन या वो भी इसके अंदर है तो इसके इन दोनों की वजह के कारण क्या होगा कि इसमें एक टॉर्क लगेगा जो कि इसको मूवमेंट करने पर मजबूर कर देगा कैसे इस टाइप से अब ये जो मूवमेंट करेगा वो प्रोसेस करेगा यानी कोई भी अगर प्लेन है तो उसके ऊपर ये जो प्रोटोन है वो इस टाइप से मूवमेंट करेगा तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं प्रिसीजन वॉट इट इज़ कॉल्ड प्रिसीजन तो ये इसमें तीन टाइप से हम बताएंगे कि प्रोटॉन्स में क्या क्या हो रहा है स्पिन एंगुलर मूवमेंट वो खुद के स्पिन के कारण हो जाएगा प्रीसीजन जो कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड और इसके एंगुलर मूवमेंट के कारण ये प्रीसीजन मूवमेंट करेगा यानी अपने ही अक्ष पर इस टाइप से घुंडन करेगा ठीक है वो किसके कारण होगा टॉर्क के कारण होता है यानी बल आगुन जो इन दोनों के कारण बल आगुन लगा उसके कारण इसने क्या किया है प्रिसीजन किया है इस टाइप का मूवमेंट करेगा तो ये तीन टाइप की इसकी प्रोटोन की प्रॉपर्टीज हमें आगे देखने को मिलेगी अब देखिए जो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं पांचों पॉइंट में फर्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ऑर्डिनली विद नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन ह्यूमन बॉडी आर सिचुएटेड इन अ रैंडम मैनर आर सिचुएटेड इन अ रैंडम मैनर कि अभी मैंने बताया था कि रैंडम मैनर में प्रेजेंट होंगे जिससे कि इनका जो ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन जो होगा मैग्नेटिक ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन यानी पूरा चुंबक तो जो होगा वो जीरो होगा क्योंकि ये रैंडम मैनर में रैंडम मैनर में है तो एक दूसरे को एक दूसरे के चुंबकीय यानी मैग्नेटिक मूवमेंट को ये कैंसिल कर देंगे जैसे कि इनका टोटल मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा व्हेन ह्यूमन बॉडी इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सच एज एमआर स्कैनर यानी अब जब इस ह्यूमन बॉडी को हमने किसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रख दिया जैसे कि एम स्कैनर के अंडर रख दिया तो ये जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है ये एक दूसरे ये अपनी पोजिशन ले लेंगे यानी या तो पैरल हो जाएंगे या फिर एंटी पैराल हो जाएंगे जो भी फील्ड होगा या तो उसकी डायरेक्शन में होंगे या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हो जाएंगे स्पिन अब आप अप देखो कि इसमें क्या बताया था मैंने कि जो पैरेलल कुछ तो इसके पैरेलल प्रेजेंट हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड तो के ठीक है कुछ इसके एंटी पैरेलल यानी कुछ तो इसकी डायरेक्शन के अंदर अलाइंड हो चुके हैं कुछ इसके अपोजिट अलाइंड हो चुके हैं ठीक है तो अब इसके बाद में कुछ जो स्पिन अप है स्पिन अप एटॉमिक न्यूक्लियर लो एनर्जी स्टेट पे होंगे और स्पिन डाउन हाई एनर्जी स्टेट पे होंगे हालांकि ये जो डिफरेंस होता है एनर्जी का ये बहुत छोटा होता है और डिपेंड करेगा इसकी स्ट्रेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर अब इसमें एक और चीज़ है कि जो नेट मैग्नेटाइजेशन अब क्या होगा वो नेट मैग्नेटाइजेशन ये होगा कि जितने इसके एंटी पैरल हैं और माइनस पैरल के बाद में जो कुछ बच रहा है यानी ये चार हैं और ये तीन हैं तो तीन तो तीन को कैंसिल कर देंगे लेकिन जो एक बचेगा इसके कारण होगा नेट मैग्नेटाइजेशन ठीक है अब देखिए पहले मैंने आपको एक और मोमेंट बताया था प्रिसीजन अब इसमें यही हो रहा है ईच प्रोटोन एक्सपीरियंस इज द टॉर्क फ्रॉम बोथ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटर एंगुलर मोमेंट यानी एक तो एक्सटेंजन फील्ड के कारण और एक इंटरजिंग एंगुलर मोमेंट के कारण ये भी ये जो प्रोटोन है वो एक टॉर्क यानी बल आघूर्ण को फील करेगा जिससे कि वो क्या करेगा प्रीसीज करेगा यानी एक टाइप का मोमेंट इस टाइप का मैंने आपको बताया था कि ये अपने एक्सेस पे यू मूव करेगा प्रीसीजन करेगा तो ये इसका डायग्राम है फाइनल मोमेंट का कि इसके अंदर एंगुलर मोमेंट हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्रिसन हो रहा है ये होता है प्लेन ऑफ प्रिस अब द रेट ऑफ प्रिजन ऑफ प्रोटोन इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी अभी किस किसपे डिपेंड करेगी प्रिसीजन की रेट ये डिपेंड करेगी इसके ऊपर जितना ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर यानी ओमेगा नॉट प्रपोर्शनल बी नॉट यानी इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड किस पे करेगी बी नॉट पे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू गामा बी नॉट अब ये जो गामा है यहाँ पे होता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो वट इज गामा देर गायरो मैग्नेटिक रेशियो और इस इक्वेशन को बोलते हैं लारमर इक्वेशन वट इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो गायरो मैग्नेटिक रेशियो जो होता है हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है ये किसी मटेरियल का मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मूवमेंट का रेशियो होता है यानी खुद उसके खुद का चुंबकीय आगुन अपॉन उसका कौनिय आगुन उसके प्रपोशन इसका जो रेशो होता है उसे गायरो मैग्नेटिक रेशो बोलते हैं और ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है प्रोटोन के लिए अगर हम इसको हाइड्रोजन के लिए अगर हम इसको देखा जाए एटम के लिए तो ये होता है फोर्टी मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला ठीक है तो ये अपना होता है मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट हमारे जो स्टेप्स हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस चीज़ को देख लेंगे रेजोनेंस वगैरह को मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या क्या देख लिया कि इसका प्रोटोन के क्या क्या फीचर्स होते हैं कैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है और कैसे इसमें मूवमेंट्स करवाए हैं प्रिसीजन और उसको अलाइन करवा दिया है तो so, इतना हम लोग देखते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू हैव एनी क्वेरीज फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो